दोस्तों हमने अपनी आम जीवन में यूं ही चलते फिरते अस्पताल या एम्बुलेंस पर प्लस का लाल निशान जरूर देखा होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिकल साइंस के लिए ये प्लस का निशान ही क्यों चुना गया तथा हर हॉस्पिटल के ऊपर ये प्लस का निशान क्यों लगाया जाता है, तो जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों हॉस्पिटल में या एम्बुलेंस में प्लस का निशान देखकर आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि मेडिकल साइंस के लिए ये प्लस का निशान क्यों लगाया जाता है, और वो भी लाल कलर में। दोस्तों इसके पीछे दो कारण है। एक कारण जुड़ा है उस समय से जब वैद्यों द्वारा इलाज किया जाता था, और एक कारण जुड़ा है आधुनिक युग से। अगर दोस्तों शुरू से बात की जाए तो पहले लोगों का इलाज वैद्य किया करते थे, और लोग अपनी बीमारी से बचने के लिए या लंबा जीवन जीने के लिए वैद्यों से उपचार कराते थे। दोस्तों लोग अपना इलाज इसीलिए करवाते हैं ताकि वह लंबा जीवन जी सके। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उनके जीवन में कुछ और समय जुड़ सके। और लोग जब भी किसी वैद्य के पास दवाई लेने जाते थे तो वो उनको जड़ी बूटियां देखकर कहते थे कि इससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी या इससे आप लंबा जीवन जिएंगे। और दोस्तों अगर गणित की बात की जाए तो गणित में प्लस का मतलब भी कुछ जोड़ना ही होता है। तो किसी वैद्य ने चिकित्सा के क्षेत्र में प्लस का निशान का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह मानते थे कि इलाज करवाने से थोड़ी आयु बढ़ जाती है। इसी कारण वैद्य अपने लिए प्लस का निशान यूज करने लग गए, जिसका मतलब था कि हमारी जड़ी बूटियों से आपकी उम्र लंबी होगी। और इसी कारण ही आज तक मेडिकल साइंस में प्लस का निशान यूज किया जाता है। तो अब बात रही प्लस के निशान के हमेशा लाल होने के, क्योंकि प्लस के निशान को सफेद या किसी और रंग में भी लिखा जा सकता था, लेकिन प्लस के निशान को हमेशा लाल रंग में ही लिखा जाता है। दोस्तों इस प्लस के निशान को मेडिकल साइंस की भाषा में रेड क्रॉस बोला जाता है, और इस रेड क्रॉस का सबसे पहले इस्तेमाल 1863 में हेनरी डुनेट ने किया था। और दोस्तों उन्होंने लाल रंग का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि लाल रंग दूर से दिख जाता है और इमरजेंसी में जल्दी दिखाई दे जाता है, और अगर कोई कम पढ़ा लिखा भी हो तो वह लाल निशान देखकर भी यह समझ सकता है। और इसी कारण 1863 से ही रेड क्रॉस का प्रचलन शुरू हो गया था, और बाद में प्लस और रेड क्रॉस में से प्लस के निशान को चुन लिया गया और प्लस का निशान भी लाल कलर में चुना गया। और दोस्तों यही कारण था कि आज हमें अस्पताल, एम्बुलेंस और मेडिकल साइंस की हर वो चीज पर प्लस का निशान दिखाई देता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये नॉलेज अच्छी लगी होगी और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी थी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।